यूपी इलेक्शन में 5 चरण हो चुके हैं और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी सांसद उदित राज जी। सर, किस तरीके से देखते हैं, 5 चरण हो चुके हैं, 2 चरण और बाकी बचे हैं यूपी इलेक्शन को, बीजेपी कहाँ स्टैंड कर रही है? बीजेपी सरकार बनाने नहीं जा रही है और अब यह बात तो जग जाहिर हो चुकी है, इसमें कोई भ्रांति नहीं रह गई है और 2 चरणों में सर्वाधिक सीटें हमारी आएंगी। उधर अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री दबादब रैली कर रहे हैं, एक मुख्यमंत्री को हराने में इतना क्या जोर लगाना है? क्यों, प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, साथ साथ पार्टी के भी तो नेता हैं, तो पार्टी के नेता के हैसियत से प्रचार कर रहे हैं तो दूसरों को क्यों इतराज़ है इस बात के ऊपर? क्या दूसरे प्रधानमंत्री प्रचार नहीं करते थे? तो प्रचार कर रहे हैं तो अच्छी बात है। क्या लगता है आपको कि 200 का आंकड़ा पार करेगी बीजेपी? हाँ जरूर, अब बुकीज ने भी कह दिया है कि 200 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल रही हैं, क्योंकि बुकी का जो सर्वे होता है, आकलन होता है, तकरीबन सही होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो कह रहे हैं वो कोई रिजल्ट डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन तकरीबन देखा गया यही। इधर लालू यादव भी समाजवादी पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो लगता है आपको सब एकजुट होकर बीजेपी को हराने में लगे हुए? ये तो हमेशा ही होता है, जब बीजेपी चुनाव लड़ती है वैसे भी सब एक होते हैं, लेकिन सब एक होकर के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, न कर पाएंगे जी। बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन नवीन के साथ दिल्ली से हृदय यादव।